रुकरुक हार्ड हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, जिसमें आज दो एपिसोड इसके पहले हम बता चुके। अब आगे बताया था कि एक्टिव वाइज की फ्रेमिंग है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, 1-2 का 4, 4-2 का 1, माई नेम इज लखन, याद है? यहाँ लगेगी सहायक क्रिया। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक के लिए, जबकि कॉन्टिन्यूस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद लिंग लगा दिए। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती, मॉडल वर्ड्स शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट, अरे जितनी टेंस के बाद जितनी बची सभी क्या है मॉडल्स, तो जितनी भी मॉडल वर्ड्स हैं उन्हीं के ठीक बाद सीधे नीचे आ जाएंगे। उन्हीं के बाद क्या लगा देते, उन्हीं के ठीक बाद क्या लगा देते भी, जैसे कहा है ही कैन डू दिस वर्क इन द ऑफिस, क्या बना ही कैन डू दिस वर्क इन द ऑफिस, वह ऑफिस में यह कार्य कर सकता है। तो क्रिया में लगाओ क्या कर सकता है, जो जवाब आया वो यहां पे आ गया। जवाब क्या मिला बेटा, दिस वर्क, वर्क की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो तो बाय से, तो ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हिम इन द ऑफिस। आप ऊपर देखो टेंस कौन सा है, यह मॉडल वर्ब बेटा, टेंस तो है लेकिन मॉडल, तो जितनी भी मॉडल है कर्ता के अनुसार नीचे आ जाएंगे, उन्हीं के ठीक बात क्या लगेंगी। देखो 1-2 का 4, 4-2 का 1, माय नेम इज लखन, उसी के ठीक बात, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बात क्या लगेगी, जितनी भी मॉडल वर्ड्स हैं सब कोई भी आ जाए, कभी गलत होगा नहीं। और जब ये बना तो इसके छत भर ना लो, तो सारा टेंशन जो है वो क्या होगा तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कहा बेटा जितने भी मॉडल्स बता रहे, मॉडल्स कितने हैं, शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू यूज टू नीड देयर हैज टू हैव टू अटर टू पटर टू इज टू एम टू आर टू, जितनी बची सभी क्या है मॉडल्स, क्यों टेंस आपने पढ़ लिया। अब जितनी बची सब क्या है मॉडल, से कहा बेटा ही शुड टेक द मेडिसिन इन टाइम, क्या दो उसे समय पर दवा देनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए दवा, जो जवाब आया वो इधर आ गया, द मेडिसिन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, डूयर को किससे जोड़ा बाय हिम इन टाइम। अब ऊपर क्या है शुड मॉडल है, सीधे नीचे आ जाएगी, इसी के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, द मेडिसिन शुड बी टेकन बाय हिम इन टाइम। कोई कठिन है क्या, देखो 1-2 का 4, 4-2 का 1, माय नेम इज लखन, जितने भी मॉडल है उन्हीं के ठीक बात क्या करना भी बन गए। आई एम टू राइट एन एस्से इन द एग्जाम, मुझे परीक्षा में एक निबंध लिखना है। तो कुछ कर रहा है, क्रिया में लगाओ क्या, किसको क्या लिखना है, जो जवाब आएगा वही सब्जेक्ट, दो शब्द लगाना क्या और किसको, जो जवाब आएगा वही आप सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एस्से एन एस्से यहां गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म, रिटन डूयर को किसने जोड़ दिया, आई जब इधर आएगा क्या हो जाएगा मी इन द एग्जाम।
अब ऊपर देखो मॉडल है, जितने भी मॉडल हैं तो एन एस से के साथ यहाँ पर क्या लगेगा नहीं बताओ, एज एन एस यहाँ क्या हो जाएगा एज, एन एस से एज, एज टू और एज टू के बाद क्या लगा दो बी, अरे यार वन टू का फोर, फोर टू का वन, माय नेम इज लखन, मॉडल है सीधे नीचे आ गया उसी का एज टू एम टू आर टू वाज टू वर टू उसी को टर्न करो एन एस से एज टू बी रिटर्न बाय मी इन द एग्जाम से कहा बड़ा सिखा ही वाज या लिख लो रवि वाज, रवि वाज टू रिपेयर द वॉच इन द शॉप, ये वाक्य रवि वाज टू रिपेयर द वॉच इन द शॉप, रवि को दुकान में घड़ी की मरम्मत करनी थी, किसकी मरम्मत करनी थी घड़ी की, जो जवाब आया वो यहां पे आ गया द वॉच, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म रिपेयर्ड, डूयर को किसर्ड बाय रवि इन द शॉप, अब ऊपर देखो मॉडल है सीधे नीचे द वाज के साथ क्या लगाओगे वाज, वाज टू लगा के बी लगा, जितने भी मॉडल में होने की ठीक बात कर दो, द वाच वाज टू बी रिपेयर्ड बाय रवि इन द शॉप, आगे ना सुन तो क्या कहा बेटा वन टू का फोर, फोर टू का वन, माय नेम इज लखन, जितने भी मॉडल वर्ड्स हैं उन्हीं के ठीक बात क्या लगा दो अपने आप को आप मंजर में, जैसे कहा बेटा यू आउट टू रेस्पेक्ट द टीचर्स इन द स्कूल, यह वाक्य यू आउट टू रेस्पेक्ट द टीचर्स इन द स्कूल, तुम्हें स्कूल में अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए, जो जवाब आया हो यहां पे आ गया द टीचर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, डूयर को किसने दिया बाय यू इन द स्कूल, अब ऊपर क्या है मॉडल है सीधे नीचे आउट टू नीचे लगा दो, आगे क्या लगा देना बी, द टीचर्स आउट टू बी रेस्पेक्टेड बाय यू इन द स्कूल, कोई कठिन है क्या, हमने कुछ नहीं बताया बेटा, हमने कुंजी बताई है पाठक की स्टाइल है वन टू का फोर, फोर टू का वन, माय नेम इज लखन, जितने भी मॉडल है उन्हीं के ठीक बात क्या लगा देना बी, सीधे नीचे उतार लेना कर्ता के अनुसार शिकायत क्या लगा देना बी, बन गया He has to help me on the way. ये वाक्य He has to help me on the way. उसे रास्ते में मेरी मदद करनी पड़ती है. किसकी मदद करनी पड़ती है बेटा मेरी. तो जो जवाब आया वो यहाँ पे आ गया I. Verb की बोलो कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म. डूयर को किसने बोल दिया बाय हिम ऑन द वे, आप ऊपर देखो मॉडल है तो आई यहां मॉडल हैज टू हैव टू, तो हैज टू आई के अनुसार क्या बोल रहा हैव टू बी, आई हैव टू बी हेल्प बाय हिम ऑन द वे, कुछ नहीं बोला वन टू का फोर, फोर टू का वन, माय नेम इज लखन, जितने भी मॉडल हैं उन्हीं के ठीक बात क्या बोल रहे कोई कठिन है क्या बना लोगे
इसे कहा हो रहा सी शुड हैव टेकन द मेडिसिन इन टाइम. क्या थॉट सी शुड हैव टेकन द मेडिसिन इन टाइम. उसे समय पर दवा ले लेनी चाहिए थी. तो इसमें थोड़ा दिमाग में आना मतलब क्या लेनी चाहिए थी दवा. जो जवाब आया वो यहां पे आ जाएगा. द मेडिसिन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन डूयर को किसने जोड़ दिया बाय हर इन टाइम. अब ऊपर है मॉडल यह है शुड है. अच्छा दिमाग में ऑर्डर शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई. अब बी की मदद से पैसिव वॉइस बनता है तो बी की कौन सी फॉर्म आना चाहिए थर्ड फॉर्म. जैसे कहते हो शैल हैव के लिए सहायक क्रिया से शैल हैव बीन. विल हैव के लिए सहायक क्रिया कर्म आगे से विल हैव बीन. तो उसी ढंग से शुड हैव के लिए सहायक क्रिया क्या आगे शुड हैव बीन. शुड हैव बीन. तब इतने नहीं रहा शुड हैव बीन कुड हैव बीन माइट हैव बीन मस्ट हैव बीन ऑट टू हैव बीन जितने भी परफेक्ट हो गए ना तो उनके आगे बी की फॉर्म तो आएगी लेकिन कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म आएगी. कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म. बन गया द मेडिसिन शुड हैव बीन टेकन बाय हर एंड टाइम. पक्का तो कुछ सिखाया उन्हें वही रेट है. वन टू का फोर फोर टू का वन माई नेम इज लखन. इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक क्रम आगे से सहायक क्रिया जबकि कंटिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा देते हैं बीइंग और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती है उनके ठीक बाद भी. लेकिन बी का बी लगा दिया. अब ये स्पेशल हो गया क्योंकि यह है पास्ट परफेक्ट. क्या है अरे शुड का पास्ट शुड है शुड खुद पास्ट है तो शुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे शुड है बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ठीक है पक्का बस आज तेरे दो बातें.